साउथ अफ्रीका से पहला T20 मुकाबला जीतने के बाद भी सूर्य कुमार यादव ने बदल दिया भारत की फाइनल प्लेइंग 11 दूसरे T20 के लिए। तो आइए हम आपको बताते हैं सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए क्या बदलाव किया, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 T20 मुकाबला खेलने हैं, जिसमें से पहला T20 मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हो गया था, जिसकी शुरुआत 8 नवंबर से होगी। हालांकि पहला T20 मुकाबला भारत ने जीतकर 1-0 से बढ़त बना ली, ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले के लिए किस फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान किया, आइए हम आपको बताते हैं। आखिर दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11, तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपने पहले मुकाबले में देखा था, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पहले T20 मुकाबले में ओपनिंग करने आए थे, तो आपको फिर दूसरे T20 मुकाबले में भी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आपको ओपनिंग करते हुए एक बार फिर से दिखाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले T20 मुकाबले में संजू सैमसन ने 47 गेंद पर बैक टू बैक शतक लगाकर भारत की तरफ से दो लगातार शतक लगाने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं। तो ऐसे में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा एक बार फिर ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। बात करें तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर आपको कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। सूर्य कुमार यादव को तो आप लोग जानते हैं, सूर्य कुमार यादव दुनिया के T20 के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। तो ऐसे में आपको तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। वही चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आपको तिलक वर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। तिलक वर्मा पहले मुकाबले में एक अच्छी पारी खेले थे। वर्मा 18 गेंद में 33 रन की एक तूफानी पारी खेली थी, जिसके बदौलत भारत का स्कोर एक अच्छे जगह पहुंच गया था। फिर वही बात करें पर तो चौथे नंबर पर आपको ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देंगे। हार्दिक पांड्या हालांकि पहले मुकाबले में ज़्यादा अच्छी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन दूसरे मुकाबले में हार्दिक पांड्या एक अच्छी पारी खेलते हुए दिखाई देंगे। वही पांचवें नंबर पर आपको रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। रिंकू सिंह एक आपको मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी पारी खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि रिंकू सिंह को कभी भी किसी जगह भेज दीजिए, उनकी पारी अच्छी रहती है। हालांकि रिंकू सिंह को मिडिल ऑर्डर में या फिनिशर के रूप में भेज दीजिए, चौके छक्के की बर्बाद करते हैं। तो आपको अगर दूसरे मुकाबले में रिंकू सिंह को मौका मिलता है तो रिंकू सिंह आपको एक बार शतकी या अर्धशतकी पारी खेलते हुए दिखाई देंगे। वही रिंकू सिंह के बाद आपको अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देंगे। अक्षर पटेल की बात करूँ तो अक्षर पटेल को आप लोग जानते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में देख लीजिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अच्छी पारी खेले थे, जिसको भारत को जीतने में एक अच्छी पारी खेले थे। फिर अक्षर पटेल के बाद आपको अर्थदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। अर्थदीप सिंह के बाद आपको रवि बिश्नोई खेलते हुए दिखाई देंगे। रवि बिश्नोई को तो आप मुकाबले में कल के मुकाबले में देखा होगा, पहले T20 मुकाबले में रवि बिश्नोई 3 विकेट लेकर स्पिनर की बहुत अच्छी पारी 3 विकेट लिए। आवेश खान भी आपको 2 विकेट लिए थे, और वह हाल ही में डेब्यू करने वाले वरुण चक्रवर्ती भी अच्छा विकेट लिए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फिर बात करें दक्षिण अफ्रीका की बारी, तो दक्षिण अफ्रीका की ओर से रयान टिकली ने विकेट कीपर एडन मार्करम, कप्तान क्रिस्टल स्टीव हेनरी, क्लासन डेविड मिलर, पार्टी क्रूगर, मार्को एल्सन, एडिलेस सिमलाने, ग्रेगर क्वेटजेल, फिर आपको केशव महाराज, बायकवे पीटर भी आप लोग को खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, क्या आपको यह वीडियो अच्छी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप क्रिकेट से छोटी बड़ी खबर पाना चाहते हैं तो हमारे